तो दिस इज द सेगमेंटेशन लेक्चर। ठीक है, सेगमेंटेशन के कुछ डाउट्स हैं जो इसमें हम क्लियर करेंगे। सेकेंड लेक्चर है सेगमेंटेशन का। इससे पहले भी एक सेगमेंट मेमोरी सेगमेंटेशन का लेक्चर हो चुका है प्रीवियसली, तो इसको समझने से पहले आपको इससे पहले वो लेक्चर एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने फिजिकल एड्रेस भी काउंट किया, तो उसके भी एड्रेस, उसके भी जब आपने लेक्चर कर लिए होंगे तब इजिली काफ़ी सारी चीज़ें हम जो सेगमेंट मेमोरी सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे इजिली समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से हम मेमोरी सेगमेंटेशन का सेकेंड लेक्चर। तो ठीक है, देखिए ये हमारी फिर से वही, ये हमारी क्या है, मेमोरी है, 8086 की मेमोरी। तो 8086 की जो मेमोरी, उसमें एड्रेस लाइन कितनी होती है, 20 एड्रेस लाइन। ठीक है ना, 20 एड्रेस लाइन होती हैं। तो इसका मतलब, ठीक है ना, 20 एड्रेस लाइन, इसका मतलब उसका एड्रेस कितने बिट का होगा, 20 बिट का एड्रेस होगा। ठीक, देखिए देखिए, 1 2 3 4 5, ये किसमें है, हेक्सा डेसिमल में। हेक्सा डेसिमल की एक, हेक्सा डेसिमल की एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हेक्सा डेसिमल की एक डिजिट को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो कितनी बिट लगेंगी, 4 बिट। मतलब अगर जीरो को रिप्रेजेंट करना होगा बाइनरी में तो क्या लिखेंगे, 0000। ठीक है ना, तो एक डिजिट जो हेक्सा डेसिमल की है वो बाइनरी में लिखने के लिए कितने बिट लेगी, 4 बिट। तो ये 5 है ना, तो कितनी लेगी, टोटल 20 बिट। ठीक है, तो ये कितने का हो गया, 20 बिट का एड्रेस हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट फर्स्ट एड्रेस हो गया, और इसका हमारा लास्ट एड्रेस क्या है, 5 टाइम्स F। इस F में भी एक F को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 4 बिट की। क्या होगी, 4 टाइम्स 1, F मीन्स 4 टाइम्स 1 इन बाइनरी। तो इसलिए क्या होगी, टोटल 20 बिट्स हो गई। चलिए, हमें ये बात समझ में आ गई, 20 बिट एड्रेस लाइन मेमोरी का स्टार्टिंग और लास्ट एड्रेस लिख दिया। अब हमने पढ़ चुके हैं कि मेमोरी को कितने में बांटते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेगमेंट में बांटते हैं। वो 4 टाइप्स ऑफ सेगमेंट क्या है, सेगमेंट तो हम कई सारे बना सकते हैं मेमोरी में, स्पेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, हमें जितना स्पेस रखना हो वो हम अपने हिसाब से, एक जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के हिसाब से सेगमेंट बनाते हैं, जितने भाई जितनी स्पेस के सेगमेंट की जरूरत है, जैसे कोड है, प्रोग्राम के कोड जितने स्पेस में आ जाएंगे हम कोड सेगमेंट को उतने स्पेस का बनाएंगे। लेकिन मैक्सिमम कितने साइज का बना सकते हैं किसी एक सेगमेंट को, हमने पढ़ा था 64 किलोबाइट। चलो इसको लिख जाते हैं पहले। सो 8086 टोटल मेमोरी क्या है, इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट्स और इक्वल टू 1 मेगा बाइट। ठीक है ना, मैक्सिमम मेमोरी सेगमेंट होल्ड्स सेगमेंट्स एनी सेगमेंट, ठीक, एनी सेगमेंट होल्ड्स मैक्सिमम मेमोरी मैक्सिमम मेमोरी इक्वल टू कितनी, 64 किलो बाइट। मैक्सिमम कितनी होल्ड कर सकते हैं, 64 किलो बाइट मैक्सिमम। अब पहले तो हमें ये समझना है कि मैक्सिमम 64 किलो बाइट ही क्यों होल्ड कर सकते हैं, इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है ना, हमारा टारगेट क्या है, पहले समझना 64 किलो बाइट मैक्सिमम क्यों होल्ड कर सकते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है कि मैक्सिमम 64 किलो बाइट ही होल्ड कर सकते हैं। देखो, तो फिर से आते हैं अपनी मेमोरी में, कितने टाइप के सेगमेंट में हम बांट सकते हैं अपनी मेमोरी को, 4 टाइप के सेगमेंट में। एक होता है कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। ओके, तो लेट सपोज हमने मैक्सिमम साइज के सेगमेंट में इसे डिवाइड कर लिया, मतलब हमने कोड सेगमेंट भी मैक्सिमम साइज का क्रिएट किया है, डाटा सेगमेंट भी मैक्सिमम साइज का क्रिएट किया है, स्टैक सेगमेंट भी मैक्सिमम साइज का क्रिएट किया है और एक्स्ट्रा सेगमेंट भी मैक्सिमम साइज का क्रिएट किया है। तो इनकी साइज कितनी होगी, 64 किलोबाइट हो गई। इसकी देखिए, हमने ऐसे लिखा 64 किलोबाइट,
ठीक, ये भी कितने का है, 64 किलो बाइट। इसी तरह ये भी कितने का है, 64 किलो बाइट। एंड लास्ट लास्ट वन इज ऑल्सो 64 किलो बाइट। ये लेट हमने सपोज किया है। अब सेगमेंट तो इसमें कई कई पॉसिबल हैं, लेकिन वो सिर्फ कितने, सिर्फ चार टाइप के सेगमेंट ही हो सकते हैं, पांचवा टाइप नहीं हो सकता। सेगमेंट तो इसमें अगर मैक्सिमम साइज के हमने पढ़ा था कितने, 16 सेगमेंट पॉसिबल है, ठीक है, मैक्सिमम साइज के 64 किलोबाइट, 64 किलोबाइट के हम 16 सेगमेंट कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। लेकिन उन वो कौन कौन से सेगमेंट ही बन सकते हैं, सिर्फ या तो कोड सेगमेंट बन सकते हैं, या डेटा सेगमेंट, या स्टैक सेगमेंट, या एक्स्ट्रा सेगमेंट, क्योंकि इन्हीं चार सेगमेंट की हमें जरूरत पड़ती है प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो अब हम आते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार मैक्सिमम 64 किलोबाइट ही क्यों साइज है हमारे सेगमेंट की। तो हमने अभी फिजिकल एड्रेस पढ़ा था, ठीक है ना, तो हमने ये जाना था, देखिए ये फर्स्ट एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस, पहले हम कोड सेगमेंट में आते हैं, ठीक है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे कोड सेगमेंट, ठीक है ना। अब कोड सेगमेंट का हमें स्टार्टिंग एड्रेस निकालना होता था, तो हम कहाँ से निकालते थे, स्टार्टिंग एड्रेस निकालने के लिए किसकी हेल्प लेते थे, फॉर स्टार्टिंग एड्रेस किसकी हेल्प लेते थे, कोड सेगमेंट रजिस्टर की, याद आ रहा है, ठीक है ना, कोड सेगमेंट रजिस्टर की हेल्प लेते थे। और ये कितने बाइट का होता है कोड सेगमेंट रजिस्टर, 16 बाइट का ही तो होता है, ये कितने का है, 16, सॉरी कोड सेगमेंट रजिस्टर कितने बिट का होता है, 16 बिट का, ठीक है ना, 16 बिट होल्ड करता है हमारा कोड सेगमेंट रजिस्टर। लेकिन एड्रेस तो कितने का, 20 बिट का होता था, तभी तो हम इसमें क्या करते थे, एक जीरो इम्प्लाइड कर देते थे, ठीक है ना, इसका मतलब क्या, और कोड सेगमेंट रजिस्टर क्या करता था, स्टार्टिंग सिक्सटीन बिट होल्स स्टार्टिंग 16 बिट। तो देखिए ये हमारी कितनी, 20 बिट्स है, और स्टार्टिंग 16 बिट्स क्या होंगी, 1000, तो इसका मतलब ये क्या होल्ड करके रखेगा, 1 1 2 3, यही तो होल्ड करके रखा होगा। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इम्प्लाइड जीरो करते थे, इम्प्लाइड जीरो, तो क्या आता था, 1 4 टाइम्स, तो हमारा ये क्या आ जाता था, स्टार्टिंग एड्रेस आ जाता था, ये हमारा क्या आ गया, स्टार्टिंग एड्रेस आ गया। अब हमारे कोड सेगमेंट का ये क्या आ गया, स्टार्टिंग एड्रेस। अब क्या करते थे हम, अब हमें क्या निकालना था, ऑफसेट, क्योंकि इस कोड सेगमेंट में क्या सेव होंगे, सारे हमारे इंस्ट्रक्शन की कोड। अब हमें जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होगी उसका पहले हमें ऑफसेट एड्रेस चाहिए, तभी तो हम वहां से पहुंच पाएंगे। ऑफसेट एड्रेस मतलब इस स्टार्टिंग एड्रेस के बाद हमें कितना चलना पड़ेगा, इस स्टार्टिंग एड्रेस के बाद हमें कितना चलना पड़ेगा, वही तो होता है ऑफसेट एड्रेस। अब हमें इसका ऑफसेट एड्रेस चाहिए। अब ऑफसेट एड्रेस कहाँ होता था, जैसे कोड सेगमेंट का है, कोड इसका कोड सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस कहाँ होता था, ऑफसेट एड्रेस कहाँ होता था, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, ठीक है ना, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कितने बिट का था, सिक्स सॉरी हाँ कितने बिट का था, 16 बिट का। अब यहीं से समझना है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर था हमारा 16 बिट का, राइट। अब 16 बिट का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, तो ये बताइए 16 बिट ही तो ऐड करनी है हमें इसमें, तो कितनी पॉसिबल हो सकती है 16 बिट, 16 बिट कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, केवल 2 की पावर 16 ही तो पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 का मतलब 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64
किलोबाइट। जो मैक्सिमम इसकी लेंथ हो सकती है वो कितनी, 64 किलोबाइट हो सकती है। तो ऑफसेट ही एड्रेस तो हमें ऐड करना होता था स्टार्टिंग एड्रेस में। जब स्टार्टिंग एड्रेस में हम ऑफसेट एड्रेस ऐड करते थे तभी तो हमारा फाइनल एड्रेस बनता था। तो मतलब मैक्सिमम क्या जोड़ सकते हैं, 64 किलोबाइट, ठीक है ना, 64 किलोबाइट। अब देखिए जैसे 16 बिट्स हैं, देखो 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कितनी होगी, 16 बिट हो गई। तो 16 बिट का स्टार्टिंग तो ये होगा और लास्ट क्या होगा, देखो 1 1 1 1 1 1 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है F, ये क्या है F, और ये क्या है F, और ये क्या है F। मतलब ये कौन सा है, स्टार्टिंग है ना, ऑफसेट एड्रेस है ना, और ये क्या है लास्ट ऑफसेट एड्रेस। तो लास्ट ऑफसेट एड्रेस क्या है, 4 times F। तो अब लास्ट जब 4 times F है तो लास्ट वाला जब ऑफसेट एड्रेस हम जोड़ देंगे किसमें, स्टार्टिंग एड्रेस में, तो हमारा क्या आ जाएगी, फाइनल लास्ट वैल्यू आ जाएगी ना, फाइनल लेंथ। ये तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसकी 64 किलोबाइट, ये हमें प्रूफ हो गया ना कि 64 किलोबाइट क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 64 किलोबाइट। लेकिन अब हम क्या निकाल रहे हैं, लास्ट जो इसकी बाइट है उसका एड्रेस निकाल रहे हैं, लास्ट बाइट का एड्रेस। तो लास्ट बाइट का एड्रेस क्या होगा, जब हम ये लास्ट ऑफसेट एड्रेस जोड़ देंगे इसमें, लास्ट ऑफसेट एड्रेस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट बाइट का एड्रेस आ जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग क्या था, मतलब फिजिकल एड्रेस ऑफ लास्ट बाइट इन, फिजिकल एड्रेस ऑफ लास्ट बाइट इन कोड सेगमेंट इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, देखो पहले 1, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट निकल आया था, ये देखो ना स्टार्टिंग एड्रेस निकल आया था कोड सेगमेंट का, इसमें क्या जोड़ना है हमें, ऑफसेट एड्रेस लास्ट बाइट का, एफ 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 और एफ। तो क्या हो जाएगा, 1 देखो 1, स्टार्टिंग क्या है 1 4 times 0, और लास्ट क्या है देखो 1 4 times F, ठीक है ना। तो एक चीज तो आपको इसमें, दो चीज समझ में आई कि हम यहां से 1 4 times 0 से 1 4 times F तक क्यों आ रहे थे, इस तरह 3 4 times 0 से 3 4 times F तक क्यों आ रहे थे, क्योंकि इसमें भी 4 times F हमने जोड़ा है ना, 64 किलोबाइट, सबकी 64 किलोबाइट ही मैक्सिमम लेंथ हो सकती है। तो ये तो अपने जान लिया ना कि 64 किलोबाइट इसकी लेंथ हो सकती है, और इसमें इसकी, और इसकी लास्ट एड्रेस कैसे निकल रहा है, और 64 किलोबाइट इसकी लेंथ क्यों हो सकती है, क्योंकि ऑफसेट एड्रेस कितने बिट का है, 16 बिट का है, 16 बिट का ऑफसेट एड्रेस होगा तो टोटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब टोटल कितने पॉसिबल एड्रेस होते हैं, 2 की पावर 16 पॉसिबल एड्रेस हो सकते हैं। तो है ना, तो एक एड्रेस में कितना होगा भाई, एक एड्रेस में कितनी 8 बाइट होंगी, तो देखो 2 की पावर 16 में कितनी, 64 किलोबाइट, मैक्सिमम 64 किलोबाइट उसकी लेंथ होती है। मैक्सिमम कितना जोड़ सकते हैं, 64 किलोबाइट ही तो जोड़ सकते हैं उसमें एड्रेस में, इसीलिए यहाँ की लेंथ क्या आती है, 64 किलोबाइट इसकी लेंथ आती है, ठीक। और अब तो बस ये क्लियर हो गया, ठीक। अब एक चीज और समझना हो तो हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें देखा था मैक्सिमम लेंथ कितनी है मेमोरी की, मैक्सिमम मेमोरी कितनी है, 2 की पावर 20 बाइट, यानी 1 मेगाबाइट, ठीक है ना, यानी 1 मेगाबाइट, और सेगमेंट मैक्सिमम मेमोरी कितनी है, 2 की पावर 16 बाइट, यानी 64 किलोबाइट। तो अब हमें ये निकालना है इसमें कितने सेगमेंट पॉसिबल है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 20 में से 2 की पावर 16 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 16,
तो 16 क्या है ये, 16 मैक्सिमम साइज सेगमेंट पॉसिबल, तो ये है टोटल आपके किसके बारे में, सेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो फिर ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।